हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाइटल साइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं वाइटल साइन, कब कब इनको मेजर करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इनकी नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वाइटल साइन होते क्या हैं। तो देखो, वाइटल साइन वो होते हैं जो अपने को पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसके रिगार्डिंग उसका बेसलाइन डेटा होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। कौन? वाइटल साइन। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसके अंदर कुछ जो चेंजेस चल रहे हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है वाइटल साइन। तो ऐसा भी अपन इनको कह सकते हैं क्या कि पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसके अंदर जो वेरिएशन चल रहा है या फिर जो चेंजेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने को हेल्प करता है वाइटल साइन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इनको नाम वाइटल साइन ही क्यों देगा। तो देखो, अपने जो वाइटल ऑर्गन है कौन कौन से, ऊपर से चलते हैं, ब्रेन, देन हार्ट, देन लंग्स, देन लीवर और किडनीज, ये सारे अपने क्या है, वाइटल ऑर्गन। और ये वाइटल ऑर्गन क्या करते हैं, इन वाइटल साइन को रेगुलेट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। ये वाइटल ऑर्गन होते हैं जो वाइटल साइंस को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इनको नाम दिया गया वाइटल साइन या फिर कार्डिनल साइन। फिर अपन बात करते हैं कि वाइटल साइन होते क्या हैं, कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं। तो देखो, फर्स्ट वन होता है अपना टेम्परेचर, देन पल्स, देन रेस्पिरेशन, देन ब्लड, देन पेन और लास्ट वन अपना आता ऑक्सीमीटर या फिर ऑटो सेचुरेशन या फिर ऐसा कहें ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब जो होता है अपना टेम्परेचर और ये जो सारे जो अपने वाइटल साइन हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज देखेंगे, नॉर्मल वैल्यू देखेंगे लेकिन कैसी, नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज देखेंगे। पर आप हर बुक के अंदर देखोगे आपको चेंजेस मिलेंगे, अलग अलग राइटर की, अलग अलग ऑथर की जो बुक देखोगे आप उनके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, लेकिन जो अपन आज वैल्यू जो पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज। किन की? वाइटल साइन की स्टैंडर्ड वैल्यूज। टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल वो होता है अपना 97.5 to 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर, लेकिन यही बात करें अपन सेंटीग्रेड के अंदर तो यह होता है 96.4 डिग्री टू 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये होता है। अब बात करें कि ये तो होता है यहाँ तक इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, अब बात करते हैं कि ये एवरेज कितना मानते हैं। तो एवरेज मानते हैं इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात करें अपन फॉरेनहाइट के अंदर तो होता 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये होता अपना टेम्परेचर की नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पल्स की। पल्स को अपन 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट या फिर हार्ट रेट कंसीडर करते हैं। इसी की अगर एवरेज बात करें तो वो होगी 72 बीट पर मिनट। नेक्स्ट अपन आता है रेस्पिरेशन पर। तो रेस्पिरेशन की नॉर्मल वैल्यू कंसीडर करते हैं अपन 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। देन अपन बात करें कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, एवरेज ब्रीथ रेट क्या रहेगी, तो वो रहेगी अपनी 60 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट अपन बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर की अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mm ऑफ HG। देन लास्ट वन अपन बात करें कि ऑक्सीजन सेचुरेशन, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, तो वो रहनी चाहिए 95% to 100% सेचुरेशन। ये इतना ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, अगर इससे बिलो है, 95 से बिलो है तो अपन उसको अबनॉर्मल कंसीडर करते हैं। इतना 95% to 100% होना चाहिए अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन। देन अपन बात करते हैं वाइटल साइन के इम्पोर्टेंस की। अब देखो इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर अपने को पेशेंट की अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन असेस करनी है तो अपन क्या करेंगे, फिर वाइटल साइन को मॉनिटर करें। एग्जाम्पल, यदि पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है, बाहरी ब्लड लॉस तो अपन, एक्सटर्नल ब्लड लॉस तो अपन पता देखने से पता लग जाए, लेकिन अगर ब्लीडिंग क्या हो, इंटरनल हो, अगर ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी हो रही है, बाहर ब्लड नहीं लिख रहा, ब्लड लीकेज इनसाइड बॉडी के अंदर हो रहा है, तो फिर अपन किसके थ्रू पहचानेंगे कि बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अपन फिर क्या करें, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। जब भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो क्या साइन आएगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो घटेगा और पल्स रेट क्या करेंगी, बढ़ेगी, तो टेकीकार्डिया और हाइपोटेंशन का साइन आता कब, जब ब्लड लॉस हो रहा हो, इनसाइड इंटरनली हो रहा हो, एक्सटर्नली होगा तब भी यही साइन मिलेंगे, लेकिन एक्सटर्नली तो अपन देख पाएंगे, लेकिन अगर
इंटरनल ब्लीडिंग को अपन को असेस करना, तो अपन क्या करेंगे फिर वाइटल साइन को मॉनिटर करना, देन अपन करने अगर कोई चेंजेज हो रहा है बॉडी के अंदर, कोई चेंजेस डिटेक्ट करना, तो अपन क्या करें वाइटल साइन मॉनिटर करें। जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमने सोडियम पोटेशियम और सारे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर इनकी वैल्यूज़ के अंदर अल्ट्रेशन होता है, इनका इम्बेलेंस होता है, तो फिर क्या होते हैं अपने वाइटल साइन चेंज हो जाते हैं। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है। देन नेक्स्ट वन बात करते हैं, अगर पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो भी अपन क्या करेंगे वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। ये तो हो गए यहाँ तक अपने क्या इंपॉर्टेंस सारे। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि वाइटल साइन, यहाँ तक तो देख लिया कि वाइटल साइन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंस होते हैं। अब बात ये आती है कि इनको कब कब मॉनिटर किया जाता है, वाइटल साइन को अपन कब कब मॉनिटर करते हैं या फिर मेजर करते हैं। तो देखो, फर्स्ट वन, जब हमारा पेशेंट के साथ इनिशियल कॉन्टेक्ट होता है, फर्स्ट जब हमारा पेशेंट के साथ इनिशियल कॉन्टेक्ट होता है, तो अपन क्या करते हैं पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं। इनिशियल कॉन्टेक्ट कब होगा हमारा, जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आएगा, या फिर ऐसा कहें पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, तब अपन क्या करेंगे उस पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जब अपन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो अपन क्या करेंगे उसके वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। देन नेक्स्ट वन बात आती है, जब भी अपन कोई इन्वेजिव या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा वाइटल साइन, उस पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करने पड़ेंगे। जब भी कोई अपन इन्वेजिव प्रोसीजर करेंगे या फिर सर्जरी करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे, तो सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले, सर्जिकल प्रोसीजर जिस टाइम चल रहा है, ड्यूरिंग करने के दौरान और आफ्टर, जब प्रोसीजर हो जाए, तब तब अपने को क्या करना वाइटल साइन को मॉनिटर करना। नेक्स्ट वन बात आती है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी पेशेंट को अपन क्या करेंगे ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, तो भी अपने को क्या करना वाइटल साइन को मॉनिटर करना। अब सवाल यह आता है कि क्या सारी ही ड्रग अपन जब एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो उन सारी ड्रग्स के लिए अपने को वाइटल साइन मॉनिटर करना, नहीं, ऐसी ड्रग्स, उन ड्रग्स के लिए अपन वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे जो ड्रग्स अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डिक सिस्टम को और टेम्परेचर रेगुलेशन फंक्शन को अगर डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर ऐसी ड्रग्स हैं जो अपने कार्डिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोलिंग फंक्शन को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर जरूरी हो जाता है कि किनको मॉनिटर करना, वाइटल साइन को मॉनिटर करना जरूरी हो जाता है। हाँ, तो अपना टेम्परेचर कंट्रोलिंग फंक्शन कौन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अगर ऐसी कोई ड्रग अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो अपने कार्डिक स्टेटस को अल्टर करती है, डिस्टर्ब करती है, तो फिर जरूरी हो जाता है क्या कि ड्रग देने से पहले भी अपन क्या करेंगे वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, जिस टाइम ड्रग चल रही है उस टाइम भी वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, और जब ड्रग पूरी हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद भी अपने को वाइटल साइन मॉनिटर करना है। फिर नेक्स्ट वन आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, उससे पहले अपने को वाइटल साइन, उस पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करने, मेजर करने। देन जिस टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उस दौरान भी अपन क्या करेंगे पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। देन अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरा हो गया, उसके बाद भी अपन क्या करेंगे वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। देन आता है, ये जो तीनों कंडीशन है, इन्वेजिव प्रोसेस जब भी कोई परफॉर्म करेंगे अपन, जब भी कोई ड्रग एडमिनिस्टर देंगे जो किसको अफेक्ट करती है, अपने रेस्पिरेटरी, कार्डिक और हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर अपन जब भी ये तीनों चीज़ें करते हैं, तो करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद अपन क्या करेंगे वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। देन लास्ट वन अपना था, और बहुत सारी कंडीशन होती है जिनमें अपन क्या करते हैं वाइटल साइन को मॉनिटर किया जाता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है या फिर इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करें पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट वाइटल साइन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनको, ये वाइटल साइन जो हमारे हैं, इनको एक एक करके, ये तो अपना ब्रीफ रिव्यू था, इनकी नॉर्मल वैल्यूज पढ़िए, अब इनको एक एक करके अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।